हम हाफिज़ मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, पर हम लोग एक समान है और मिलजुल कर रहते हैं हमेशा। ये मुस्लिम है या हम लोग हिंदू है, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, लोग एक साथ खाना भी शेयर करते हैं, इससे हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदरसे के बारे में जिस तरह से आज देश में जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जैसे हजरत दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी जो लोग रखते हैं उनको अलग अलग तरीके से लोग बदनाम करते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? टीवी पे, टेलीविजन पे आजकल अलग अलग तरह की चीजें दिखाई जाती है, बदनाम किया जाता है इस्लाम को, मुसलमानों को, दाढ़ी वाले लोगों को। जी जी, वो लोग नहीं, खास करके मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यहाँ गए हैं कभी? हाँ, जाते हैं। आए हैं जी? जी, मिलाए हैं कभी इनके घर? इनके यहाँ मदरसा आप लोग खाए हैं? जी जी, बहुत हली खाए हैं लोग, बहुत बार जी। ये भी हमारे घर की, जब हमारी टीम गई हुई थी ब्लॉक लेवल पे खेलने के लिए, तो इससे भी ज्यादा बच्चे थे, सबको हम अपने घर ले गए थे, पानी पिलाए, मिठाई खिलाए, चूंकि हम लोग वहाँ से भी जीत के आए थे, तो पार्टियाँ होती रहती हैं, बच्चे दूसरे का काम आ जाए, कोई हमसे कामयाबी हासिल कर ले, तो हम समझते हैं कि हम सफल हैं और सुकून से मर भी सकते हैं, ताकि नफरत के दौर में मोहब्बत फैले। चलिए, अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग राजेंद्र स्टेडियम में, सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में, आप सबको पता है 27th ओपन डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आज आयोजन किया था। आज जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए पूर्णिया में जाएंगे और फिर वो और आगे जाएंगे। देखिए, शंभूपुर जो आपका गांव है, पचरुखी प्रखंड का जो आपका शंभूपुर है, वहाँ का जो मदरसा है उसमें हजरत पढ़ाते हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं, शंभूपुर मदरसे के इमाम साहब भी हैं। आपका नाम क्या है? शाह आजम। शाह आजम। और ये देखिए, इनकी दो स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम बताइए। सलोनी वर्मा। सलोनी वर्मा, तो आप इनको, आप गाइड करते हैं, आपने ट्रेनिंग दिया है, कितने दिन से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको? लगभग साल भर से, क्योंकि 2023 तरंग प्रतियोगिता में ये टीम पटना तक पहुंची थी और उसी वक्त से मसलसल हम लोग लगे हुए हैं, और फिर आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी बच्चियां कामयाब हुई। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पूर्णिया में स्टेट लेवल खेलने के लिए जाएंगे। क्या अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको क्या मिला है? जी, ये अंडर 16 में हाई जंप में फर्स्ट रैंक है, अंडर 14 में हाई जंप में फर्स्ट रैंक है इनका। फर्स्ट रैंक जी, क्या बात है। गोल्ड मेडल के लिए सेलेक्ट हुए हैं बच्चियां दोनों जी, और आगे डिस्ट्रिक्ट के लिए पूर्णिया भी जाएंगे, स्टेट लेवल के लिए पूर्णिया जाएंगे, स्टेट लेवल के लिए पूर्णिया जी जी। आपके, आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? लगभग हमारे यहाँ मदरसा में 10 बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, जिसमें हमारे हिंदू मुसलमान सभी बच्चों के लिए मदरसा का दरवाज़ा खुला रहता है, और हमें खुशी है कि जो हम लोग मेहनत करा रहे हैं, हमारी बच्चियां मेहनत जो की हैं और रंग लाई है मेहनत, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी दुआ रही, इनकी मेहनत रही, तो ये लोग स्टेट में भी एक ना एक दिन मकान बनाएगा और हम लोग नेशनल के लिए भी खेलेंगे। कितने बच्चे को लेकर आए थे आप? अभी आज 4 बच्चों को लेकर आए थे हम, 2 बच्चियां थी और एक बच्चा था। दो बच्चे सेलेक्ट हो गए? 3 बच्चियां, शॉर्ट पुट में हमारी एक बच्ची अंजलि कुमारी यादव, वो तीसरे पोजीशन पे थी, उनको कुछ जरूरी काम था, वो चली गई, तो वो अभी नहीं है, लेकिन शॉर्ट पुट में उनका भी सिलेक्शन तीसरे पोजीशन के लिए हुआ है जी। चलिए, थोड़ा आपके बच्चों से बात कर लिया जाए। गुरुजी के बारे में क्या कहेंगी? बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं, हम उनके बहुत आभारी रहेंगे और आगे चलकर उनका नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आप लोगों के घर में इस तरह का नहीं बोला गया, मदरसे में जा रहे हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे घर में ये जाति वाद नहीं है। हम हाफिज़ मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, पर हम लोग एक समान है और मिलजुल कर रहते हैं हमेशा। घर में झगड़ा नहीं हुआ कि इस्लाम के बारे में वहाँ बताया नहीं, जाता नहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा अलग तरह के अफवाह फैलाया जाता नहीं, है? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे मदरसे के बारे में, जिस तरह से आज देश में जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जैसे हजरत दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी जो लोग रखते हैं उनको अलग अलग तरीके से लोग बदनाम करते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? वो लोगों में यही कहना चाहती हूँ कि वो मतलब असल में जातिवाद को लेकर, अपने धर्म को लेकर लड़ते हैं। असल जिंदगी है कि हर जाति के लोग मिलकर रहेंगे तो हमारा देश आगे रहेगा। आगे रहेगा जी। आप क्या कहोगे बाबू? जी, हमारे कामयाबी के पीछे हमारे सर का बहुत बड़ा हाथ है, और एक ना एक दिन हम लोग बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे लोग, और इनका बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा आभार रहेगा। टीवी पे टेलीविजन पे आजकल अलग अलग तरह की चीजें दिखाई जाती है, बदनाम किया जाता है इस्लाम को, मुसलमानों को, दाढ़ी वाले लोगों को। जी जी, वो लोग नहीं 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 नहीं, वो लोग की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहे हैं जात पात पे। पर हमारे घर या हमारे मोहल्ले इस सबसे कोई रिलेटेड बात नहीं है कि मुस्लिम है या हम लोग हिंदू है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, लोग एक साथ खाना भी शेयर करते हैं, इससे हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं, जी जी, आप भी स्कूल में पढ़ने जाती हैं? यूएचएस कल्याणपुर। यूएचएस कल्याणपुर। और कितने घंटे के लिए सीखने जाते हैं? एक घंटा डेढ़ घंटा। तो सर ही सिखाते हैं या और भी कोई है जो सिखाता है? सर ही सिखाते हैं। सर एक्सपर्ट हैं एकदम। जी जी जी। सर को जितना आता है, आप लोगों को कितना सीख गई है अभी? सर के आधा आधा आप लोग सीख गई हैं। तो गुरु से कम ही ना रहेंगे लो? गुरु से कम ही रहेगा। जी, गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है। तो एक एक और बात बताइए, इसके बाद अब आप लोग पूर्णिया जाएंगे, कैसा लग रहा है? आप लोग को उम्मीद था कि इतने सारे बच्चे आएंगे, इसमें हम लोग हो जाएंगे? नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं था, पर अब हम पूर्णिया जाएंगे, मेहनत करेंगे और पूर्णिया भी गोल्ड जीत कर लाएंगे पूर्णिया से। अच्छा, एक एक और बात क्या कहोगे जो इस तरह के लोग होते हैं, अफवाह फैलाते हैं, खास करके मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि क्या लोग कैसे सोचते हैं। इसीलिए तो हमारा भारत पीछे है, लोगों की सोच के वजह से। अगर आजकल लोग एक मिलजुल कर रहते तो हम भी बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। कौन से क्लास में हो आप? 9th। आप कौन से? 10th। ठीक, आगे क्या बनना है? प्लेयर, चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं न्यूज बनाने का मकसद यही था कि ये वाकई अभी भी जिस तरीके से देश में नफरत फैलाया गया, जिस तरीके से बात होती है, आज के इस दौर में भी इस तरह का हालात अगर देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। फिर से एक बार हमारा हिंदुस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता था, आने वाले टाइम में उस चीज के लिए जाना जाएगा। आपका क्या संदेश रहेगा सर? जी जी सर, हमारा संदेश यही रहेगा कि हमेशा मोहब्बत में ही भलाई है, नफरत हमें तबाह हो बर्बाद करती है। मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगे तो हमेशा फ़ायदा होता था, आज भी हो रहा है, आप देख रहे हैं, और हमेशा रहती दुनिया तक मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगे तो फ़ायदा होता रहेगा। घर वाले आपको कुछ नहीं बोले? ना, मिलते हैं वो लोग हमारे घर, इनके घर के लोग आते हैं, बड़ी मोहब्बत से मदरसा में लोग बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, इन बच्चियों की तरक्की के बारे में हम लोग प्लान करते हैं, और इनके घर के लोगों की बड़ी मदद है कि वो लोग आने देते हैं तब ये बच्चियाँ कामयाब हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल है, बस आपसे भी गुजारिश है कि आप दुआ दें। गए हैं कभी? हाँ हाँ, जाते हैं। जी जी, मिला है कभी इनके घर? उनके यहाँ कभी मदरसा आप लोग खाए हैं? जी जी, बहुत हली खाए हैं लोग, बहुत बार। जी, ये भी हमारे घर की, जब हमारी टीम गई हुई थी ब्लॉक लेवल पे खेलने के लिए, तो इससे भी ज्यादा बच्चे थे, सबको हम अपने घर ले गए थे, पानी पिलाए, मिठाई खिलाए, चूँकि हम लोग वहाँ से भी जीत के आए थे, तो पार्टियाँ होती रहती हैं बच्चों की तरफ से या हमारे तरफ से, तो हम लोग अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हम लोग अपने वतन के काम आ रहे हैं, और ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं है। आदमी अगर दूसरे के काम आ जाए, कोई हमसे कामयाबी हासिल कर ले, तो हम समझते हैं कि हम सफल हैं और सुकून से मर भी सकते हैं। शंभूपुर के ही आप हैं? नहीं, मेरा घर चाँप है। अच्छा अच्छा, पश्चिम तला। जी जी, वहाँ जॉब करते हैं। सरकारी नौकरी आपका? जी, मेरी सरकारी नौकरी भी है, और मदरसा में चूँकि इन्हीं बच्चों के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहाँ लोगों की ट्रेनिंग। वीडियो खत्म करेंगे, बिल्कुल बने रहें, देखते रहें। अच्छा वीडियो लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि नफरत के दौर में मोहब्बत फैले। बने रहें, देखते रहें।